हेलो बच्चों, माय नेम इज हनुमान सिंह और मैं आपको कंपटीशन इंग्लिश, जनरल इंग्लिश और अन्य बहुत सारी चीजें जो इंग्लिश में बहुत इम्पोर्टेंस है, प्रयत्न करूंगा कि आपको द बेस्ट दूं इंग्लिश के माध्यम से। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। सबसे पहले समय नष्ट न करते हुए हम आ जाते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। आप जानते हैं कि अगर कोई पूछ लेता है कि अल्फाबेट क्या होती है, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि अल्फाबेट 26 होते हैं, ऐसा नहीं है। अल्फाबेट से यहाँ जिसको वर्णमाला कहते हैं सिर्फ एक होती है, और उस अल्फाबेट्स के जिनसे ये अल्फाबेट्स बनी होती है वो लेटरों से बनी होती है, अक्षरों से बनी होती है। टोटल लेटर्स इंग्लिश में 26 होते हैं। फिर इस लेटर्स को हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, टू पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट को हम ओवल्स कहते हैं, सेकंड पार्ट को हम कंसोनेंट्स कहते हैं। फर्स्ट पार्ट हिंदी में स्वर कहलाता है और सेकंड पार्ट व्यंजन। ओवल्स टोटल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और बाकी जो बचे हैं वर्ड्स इंग्लिश में 21, वो सारे के सारे बी सी डी ई एफ जी एक्सेट्रा ये सब कंसोनेंट्स होते हैं। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कंपटीशन के लिहाज से कंसोनेंट्स में सेमी ओवल्स होते हैं, डब्ल्यू और वाई। अब आते हैं, आप जानते हैं कि अक्षरों का जो समूह होता है, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का समूह वो ले शब्द कहलाता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अब शब्दों का जो समूह होता है वो वाक्य या सेंटेंस कहलाता है। ए ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, यानी वाक्यों का जो एक समूह होता है उसको हम डायलॉग कहते हैं, कन्वर्सेशन कहते हैं या पैराग्राफ कहते हैं। रिटन फॉर्म में करें तो पैराग्राफ आपका हिंदी में जो लिखते हैं, और डायलॉग कन्वर्सेशन जो होता है वो हम ओरली करते हैं। समझिए इसको, ये ग्रुप ऑफ लेटर, लेकिन ए ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी बी सी डी, ये ग्रुप तो है बी सी डी, तीन अक्षर, एक दो तीन अक्षर, तो क्या इसको हम ग्रुप कहें, वर्ड कहेंगे? नहीं, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर डी ओ जी डॉग लिख दिया तो इसका मतलब हम जानते हैं कुत्ता होगा। तो ये अक्षरों का समूह है जिसको हम एक वर्ड कह सकते हैं, और वर्ड जो होता है इस ये जो है ये यूनिट होती है, यूनिट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। यूनिट इसलिए होती कि बिना, जैसे हमारे शरीर की इकाई कोशिका होती है वैसे अंग्रेजी भाषा की जो इकाई होती है वो शब्द होती है, वर्ड होती है, और इन वर्ड के बिना इंग्लिश ना लिखी जा सकती है और ना बोली जा सकती है। अब आते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अभी तो एक वर्ड की बात हुई, अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे हमने लिखा आई एम आर इंग्लिश टीचर, तो देखिए आई वन वर्ड, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये यहाँ पर फोर, और टोटल यहाँ पर फाइव, ये पांच शब्दों का जो ग्रुप है वो क्या कहलाएगा? सेंटेंस। इसको हम कहते हैं वाक्य। अब अगर हमने लिखा ये ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, आई एम ए इंग्लिश टीचर, आई टीच इन दिल्ली पब्लिक स्कूल, लोकेटेड इन लखनऊ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वाक्य हो गया
और ये जो है आपका दूसरा वाक्य हो गया, यानी दो सेंटेंस का यहाँ समूह बन गया, दो हो दो से अधिक हो तो ये आपका एक कन्वर्सेशन या डायलॉग कहलाएगा। थैंक यू। थोड़ा सा हम आपको और एक्सरसाइज करेंगे, जैसे एक ग्रुप ऑफ लेटर्स कार्ड वर्ड हैविंग सम मीनिंगफुल सेंस, यानी इसका मतलब होता है कि अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। जैसे आप देखिए यहाँ पर अक्षरों का समूह हमने लिखा है, ओ लिखा है, जी लिखा है, बी लिखा है, अब ओ जी डी है, ये ग्रुप तो हो गया लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो ये शब्द नहीं हो सकता है। शब्द के लिए देखिए इसको हमने प्रॉपर आर्डर में लिखा जी ओ डी गॉड, तो गॉड में क्या होता है ईश्वर, इसका एक अर्थ हो गया। इसी प्रकार ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सम मीनिंगफुल सेंस, यानी शब्दों का समूह जो इसका कोई ना कोई अर्थ हो उसको हम वाक्य कहते हैं या सेंटेंस कहते हैं। जैसा मैंने यहाँ लिखा है 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ पांच शब्दों का एक समूह है और इसका एक सेंस भी निकला है कि आई एम ए इंग्लिश टीचर, मैं एक अंग्रेजी का अध्यापक हूँ। तीसरे पोर्शन में आते हैं, ये ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस हैविंग सम मीनिंगफुल सेंस, उसको हम कन्वर्सेशन कहते हैं, डायलॉग कहते हैं या पैराग्राफ कहते हैं। इसमें वाक्यों का समूह होता है। यहाँ देखिए मैंने छोटा सा पैराग्राफ एक छोटा सा कन्वर्सेशन किया है। कन्वर्सेशन और डायलॉग वो ओरली होता है जबकि उसी चीज़ को हम रिटन फॉर्म में पैराग्राफ कहते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे आई एम एन इंग्लिश टीचर, आई टीच इन डीपीएस लखनऊ, माई मोटो इज टू मेक यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी यहाँ पर तीन सेंटेंस मैंने लिखा तो यह तीन वाक्यों का तीन सेंटेंसेस का एक समूह हो गया और इसको हमने यहाँ पर रिटन फॉर्म में लिखा है तो हम इसको पैराग्राफ कह सकते हैं। अगर इसको ओरली हम बोल लेते हैं जैसे हम बोल रहे हैं आपके सामने तो इसको हम डायलॉग या कन्वर्सेशन कह सकते हैं। हम जो भी आपसे वार्तालाप कर रहे हैं या मैं जो बोल रहा हूँ आपसे और वो कन्वर्सेशन होता है। कन्वर्सेशन में दो सब्जेक्ट कम से कम जरूरी होते हैं। सब्जेक्ट के बारे में, सेंटेंस के बारे में बता दिया, सेंटेंस पहले वर्ड्स के बारे में बताया, सेंटेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। सेंटेंस जो होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, या शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। दूसरा सिस्टम होता है अगर इसको अपनी लैंग्वेज में कहें तो ए मिक्सचर ऑफ सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट, यानी वाक्य डिफाइन आप ऐसे कर सकते हैं कि ये कर्ता और विधेय दोनों का एक मिश्रण होता है। अब देखते हैं फिर कर्ता जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं इसको हम हिंदी में कर्ता कहते हैं और ये आपका विधेय कहलाता है। सब्जेक्ट इसमें तीन पोर्शन होते हैं, तीन भाग होते हैं, एक और भी हो सकता है एडवर्बियल फ्रेज के रूप में। तो इसमें डिटरमाइनर होते हैं, क्वालिफायर होते हैं और हेड वर्ड होता है। ये तीन चीज कर्ता के भाग होते हैं, दो इसमें प्रेडिकेट में वर्ब्स और ऑब्जेक्ट्स। अब ये वर्ब्स इसमें दो पड़े, हेल्पिंग वर्ब्स और एक्शन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो टेंस को भी बताती है, इसको बताती है टेंस की किस काल में हम कार्य कर रहे हैं, और ये तो जैसा नाम से विदित है ये हमारे कार्यों को बताती है, ठीक है, हम कौन सा एक्शन कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट इसको कर्म कहते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव वस्तुएं होती हैं जैसे हमारे पास ये पेन है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैं हूँ। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मी आई वी यू ये सारे क्या है ऑब्जेक्ट हैं। अब यहाँ से सेंटेंस में थोड़ा हम आपको कंसाइज कर रहे थे कि सेंटेंस जो है अभी मैंने आपको बताया कि वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों का मिश्रण होता है। यहाँ पर ये सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं मेनली, असर्टिव सेंटेंस, स्टेट असर्टिव सेंटेंसेस, जैसे हम को ये वक्तव्य दे रहे हैं, ठीक, आई एम ए टीचर, ये मेरा
वक्तव्य है, मेरा स्टेटमेंट है, आई एम ए ग्रेट टीचर। अगर मैंने कहा कि आई एम नॉट ए ग्रेट टीचर, तो इसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। तो एक को असर्टिव सेंटेंस में दो भाग होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव में उसका जो आंसर होता है यस होता है, निगेटिव में जो आंसर होता है वो नो होता है। इंटू अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछते हैं, इम्परेटिव में हम किसी को आज्ञा देते हैं, आदेशित करते हैं, या कोई प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। एक्सक्लामेटरी में जो हमारी भावना बहुत ही स्ट्रांग हो जाए, स्ट्रांग फीलिंग, वो हम एक्सक्लामेटरी में जाते हैं। असर्टिव सेंटेंस में जो एंडिंग होगी सेंटेंस की वो फुल स्टॉप से होगी। इंटरोगेटिव में आप मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इंपरेटिव की जो एंडिंग होगी वो फुल स्टॉप से होगी, और एक्सक्लामेटरी में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन से हम इसका होकर समापन करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए ये चारों का मैंने यहाँ पर कंसाइज बताया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया आपका, उससे भी आप क्या कर सकते हैं, राम इज ए टीचर, राम इज ए टीचर, राम एक अध्यापक है। अगर हम क्वेश्चन पूछे हु इज, तो हु लगा करके हम सब्जेक्ट पता कर सकते हैं, हु इज ए टीचर, तो आंसर मिलेगा राम। तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। और व्हाट इज राम डूइंग, राम क्या कर रहा है, तो उसका हमें प्रेडिकेट, ये बाकी का जो पोर्शन होता है ये प्रेडिकेट है। इसी प्रकार देखिए, राम इज ए टीचर, राम एक अध्यापक है, इज राम ए टीचर, अभी इसको आगे पहले कर दिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिए, क्या राम एक अध्यापक है। फिर हमने कहा कम यर राम, राम कम यर, व्हाट इज राम, गेट आउट, सिट डाउन। तो ये सारी चीजें जो कमांड है, रिक्वेस्ट, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ये सारी चीजें हम इंपरेटिव सेंटेंस में करते हैं। और अगर हमने कहा ये व्हाट इज सेम, सेम सेम फाइव फाइव, व्हाट ए ग्रेट पर्सन राम इज, तो ये सारी चीजें, और इसमें लास्ट में हम यहाँ माँ का एक्सक्लेमेशन हमने यहाँ पर लगाया है। इस प्रकार मैंने आपको संक्षिप्त में बताने की कोशिश की कि जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे चार प्रकार के होते हैं। सेंटेंस हमें दो भागों से मुख्यतः मिलकर बना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट को हमने तीन भागों में बांट दिया है, प्रेडिकेट को दो मुख्य भागों में बांटा है, वर्क ऑब्जेक्ट में। इस प्रकार मैंने आपको सबसे सिंपल वे में प्रयोग किया कि सिंपल वे में हम आपको पढ़ाएं। मैंने आपको बताया कि दो चीज होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, कर्ता और विधेय। इसके बारे में मैंने आपको क्लासिफिकेशन भी बताई। सब्जेक्ट के बारे में और थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये डिटरमाइनर, क्वालिफायर और हेडवर्ड, ये आपका नाउन हो सकता है, ये एडजेक्टिव होता है, इसमें आपके आर्टिकल्स आते हैं। प्रेडिकेट में आपके वर्ड्स आते हैं, मैंने बताया कि वर्ड्स दो प्रकार के होते हैं, और एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब होती है। ऑब्जेक्ट भी दो होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आइए एक एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पहला एग्जाम्पल है ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये सब्जेक्ट है, यहाँ भी से लाइन खींच दीजिए, लेकिन हम इधर पूरा का पूरा सब लिख दिए हैं, ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो ए यहाँ पे डिटरमाइनर हो गया, ब्यूटीफुल आपका क्वालिफाई हो गया, और ये गर्ल ये हेडवर्ड हो गया। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम गर्ल को गायब कर दें, तो ए ब्यूटीफुल वाज गोइंग टू मार्केट, तो इसका सेंस नहीं आता, इसलिए इसको हम हेडवर्ड कहते हैं, मुख्य शब्द कहते हैं, बिना इसके पूरा सेंटेंस नहीं हो सकता है। फिर मैं बता दूं आपको, सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है, जैसे इसमें देखिए देयर इज ह्यूज क्राउड इन द मार्केट, यानी बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ है। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। यू वॉकिंग, ये वॉकिंग यहाँ पे वर्क की फर्स्ट फॉर्म में जब आईजी लग जाता है तो ये जीरन का काम करता है, और टू वॉक जब लग जाता है तो ये इन्फिनेटिव का काम करता है, ये भी सब्जेक्ट के रूप में ही काम हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए तीन शब्दों का है, ए ब्यूटीफुल गर्ल, देयर, आई, यू, मैं, वॉकिंग, टू स्मोक, ये सब सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट में देखिए ए ब्यूटीफुल गर्ल वाज, वाज क्या हो गया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, जो
पास्ट कंटिन्यूअस की बात बताती है, ये आप जो काम कर रहे थे उस समय इसको कहते हैं एक्शन वर्ब, और टू मार्केट ये आपका कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ये क्योंकि मार्केट एक निर्जीव स्थल है। देयर इज ए ह्यूज क्राउड इन द मार्केट, तो देयर इज ए ह्यूज क्राउड इन द मार्केट, इसमें भी ह्यूज क्राउड जो होती है मनुष्य की होती है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और मार्केट जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इसी प्रकार आई एम ए टीचर, तो टीचर क्या है, ये न्यूट्रल जेंडर में आता है। यू आर वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड, वर्किंग मीन्स कठोर परिश्रम कर रहे हो। वर्किंग क्या हो गया, यहाँ पे जीरण हो गया क्योंकि वर्क की फर्स्ट फॉर्म में माइंडी लगाते हैं और ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। आगे यहाँ पर ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई जो कि टेंस को बता रही है, और ये आपकी मेन वर्ब हो गई, और हार्ड जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये मतलब एक फीलिंग है अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। टू स्मोक इज डेंजरस टू हेल्थ, और टू स्मोक इज डेंजरस टू हेल्थ, यानी स्मोकिंग जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। थोड़ा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में प्रयोग की लगभग, जैसे आई गेव हिम अ बुक, ठीक, माय फादर गेव टू थ्री ऑरेंजेस टू मी। इसमें थोड़ा समझिए कि इसमें ये जो पोर्शन है ये आपका सब्जेक्ट हो गया और यहाँ माई फादर सब्जेक्ट हो गया, बाकी का जो पोर्शन है विधेय है यानी प्रेडिकेट है। इस प्रेडिकेट में इसमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हो गई, ये आते हैं हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, ये भी आपकी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हो गई। हिम जो है वो कोई ना कोई व्यक्ति है इसलिए ये इसमें जीवन है इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, और ये जो बुक है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाती है। इन द सेम मैनर यहाँ पर जो थ्री ऑरेंजेज है ये कोई वस्तु है, ठीक है ना, इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानेंगे, और ये मी जो है सॉरी यहाँ पर जो थ्री ऑरेंजेज है इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानेंगे, और जो मी है ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो इस प्रकार मैंने आपको सेंटेंस को बेहतर तरीके से बताने का प्रयत्न किया है। इसकी बात करते हैं जो वाक्यांश होता है किसी भी सेंटेंस का एक पार्ट होता है। बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं फ्रेज क्या है क्लास क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फ्रेज में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है और ना इसका कोई पूरा का पूरा अर्थ ही होता है। क्लास में क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। आइए इसमें देखते हैं। इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों का एक समूह होता है इन सेंटेंस वाक्य में विदाउट कंप्लीट सेंटेंस, लेकिन इसका पूरा जो अर्थ नहीं है। आई एम लाइकिंग ऑफ सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट नहीं होता यानी कर्ता नहीं होता, ना कोई इसका कंप्लीट सेंस होता है यानी पूर्ण इसका कोई अर्थ नहीं होता है अगर इसको हम किसी भी सेंटेंस के भाग से हटा देते हैं। जैसे इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों का एक ऐसा समूह होता है वाक्य में जिसमें जिसका पूरा अर्थ नहीं होता है और लैकिंग ऑफ सब्जेक्ट, और इसमें किसी मतलब किसी भी प्रकार का कोई सब्जेक्ट नहीं पाया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज यानी अपने आप में पूर्ण है, सूरज उगता है। अब इन द ईस्ट अगर इसको अलग कर दिए सेंटेंस से तो इन द ईस्ट क्या है, पूरब में, तो अपने आप में पूरा कंप्लीट सेंस नहीं है। इसी प्रकार देखिए, तो ये जो अंडरलाइन आपका पार्ट है इस सेंटेंस का पूरा, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, ना सब्जेक्ट है और ना इसका पूरा अर्थ ही है, इसलिए ये फ्रेज कहलाता है। दूसरे वाक्य में देखिए, इट वाज ए सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ऑफ ग्रेट ब्यूटी अगर इसको कर दें कि बहुत ही महान सुंदरता का, तो यहाँ पर अपने आप में पूर्ण नहीं है, इसलिए ये अंडरलाइन पार्ट आपका फ्रेज है। इसी प्रकार शो मी, मुझे दिखाओ, हाउ टू डू इट, आपने कैसे किया, तो हाउ टू डू इट इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए फ्रेज है। फोर्थ में भी जो अंडरलाइन है
देखिए ही हैज अ चैन, उसका एक उसके पास एक चैन है ऑफ गोल्ड जो कि सोने की बनी हुई है। तो आप गोल्ड अगर रख देंगे तो इसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता ना इसका कोई सब्जेक्ट है। अब आते हैं क्लास में, इसमें ये होता है एक सेंटेंस मतलब शब्दों का एक समूह होता है जो कि वाक्य का एक भाग बनाता है और इसमें सब्जेक्ट प्रीडिकेट दोनों होते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। बहुत बहुत देखिएगा डिफरेंट बहुत ही माइन्यूट है। ही हैज अ चैन, अब इसका कंप्लीट सेंस है ना इसका, उसके पास एक चैन है, इसकी जरूरत हो या ना हो इससे भी मतलब, लेकिन अपने आप में कंप्लीट सेंस। व्हिच इज मेड अप ऑफ गोल्ड, यहाँ पे व्हिच सब्जेक्ट है इज मेड ऑफ गोल्ड, ये प्रीडिकेट है। जैसे पीपल हु पे देयर डेब्ट्स, अब देखिए पीपल आर ट्रस्टेड, ये पूरा अपने आप में कंप्लीट है। लोग होते हैं विश्वास विश्वसनीय, लेकिन हु पे देयर डेब्ट्स यानी जो लोग अपना कर्ज उतार देते हैं वे लोग ये विश्वसनीय होते हैं। तो हु यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, पे देयर डेब्ट्स ये प्रीडिकेट का काम कर रहा है। आई थिंक मैं सोचता हूँ डेट कि ये अपने आप में कंप्लीट है। यू हैव मेड ए मिस्टेक कि तुमने गलती की, ये जो अंडरलाइन क्वेश्चन है प्लेस कर रहा है सॉरी क्लास का काम कर रहा है। वी कैन नॉट स्टार्ट, हम तब तक शुरुआत नहीं कर सकते हैं व्हाइल इट इज रेनिंग, जब तक बारिश हो। तो व्हाइल यहाँ पर सब्जेक्ट काम कर रहा है, बाकी क्वेश्चन प्रीडिकेट का काम कर रहा है। सिनॉप्सिस में क्या है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, इसमें इसका पूरा अर्थ नहीं होता है। क्लास में क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रीडिकेट भी होता है, यानी कंप्लीट सेंस दे सकता है। थैंक यू।